गर्मी चाहिए। ओके बी पॉजिटिव। एसी चाहिए। कि आप जितना बोलोगे ना उतना आप थकोगे, तो ज्यादा बातें मत। मैं तो यार आपको सजेशन करूंगा कि आप गाड़ी लेके आ रहे हो ना ऊपर, तो गाड़ी के नीचे पार्क कर लो और चल के आओ। आप चल के आओगे ना तो और भी ज्यादा अच्छी फीलिंग आएंगी। नहीं बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। तू पीछे चल बेटा, थोड़ा पीछे पीछे, तो तेरा वीडियो आएगा। सच में गाइस चल के आना। और ज्यादा ऊपर नहीं, हाइट नहीं है, नहीं ज्यादा ज्यादा दादरे नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, बहुत ही कम है। आई थिंक तो आप 15 मिनट में ऊपर भी चले जाओगे, 15 मिनट के अंदर। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये तीसरा व्लॉग बन चुका है, क्योंकि यार वो वाला व्लॉग स्पेशल भातीजी महाराज का मंदिर के लिए था। अभी ये दूसरा व्लॉग यहाँ से शुरू होता है, तीसरा व्लॉग शुरू होता है। ये व्लॉग एडवेंचर है। पहला जो सेकंड का नंबर का ब्लॉग था उसके अंदर हम लोग गाड़ी लेके आए थे, लेकिन ये जो तीसरा वाला ब्लॉग है ना उसके अंदर हम लोग चल के एक्सपीरियंस करेंगे ये डूंगर चढ़ने में। अभी निधि आगे आगे जा रही है ना, तो लगता है नहीं उसका वीडियो शूटिंग आ रहा है। तू तो कितना टाइम के बाद आया, नहीं लेकिन और तेरे को याद था ये वाला, मतलब ये भातीजी मार्ग का मंदिर याद था तुझे? याद है ना, अभी भी याद है। लेकिन बच्ची जब आई थी ना, मेरी बच्ची आई थी ना, तो उस वक्त तो बहुत ही छोटी थी, और ब्रदर्स उस तक बड़ा था, तो उसको तो याद होगा। हाँ, पर मैं छोटी थी, तो मुझे नहीं याद। लो हम लोग तो मस्ती कर रहे थे कि चले नीचे जाके थोड़ा ब्लॉगिंग करते हैं, तो हम लोग तो सच में नीचे पहुंच चुके हैं। और वो लोग जो लेडीज पार्टी थी, मेरी मॉम सिस्टर और मेरी वाइफ, वो लोग ऊपर बैठे आराम से, अभी शायद मसाला खिचड़ी खा रहे होंगे वो लोग। मेरा लंच जो था वो दोपहर का वो स्किप हो गया था, तो मेरी मॉम ने साथ में वो मसाला खिचड़ी थी वो साथ में लेके आ गए थे। तो मेरे को खाना था, लेकिन मेरे को अभी यार ब्लॉगिंग करना है। नहीं पापा, हाँ बेटा, हम लोग क्या, हम लोग आसपास बहुत सारे होटल है, होटल से खाएंगे हम लोग। हाँ तो फिर सो गाइस, ऊपर से कब नीचे उतर गए पता ही नहीं चला, बातें करते करते। नहीं हाँ लो फाइनली गाइस हम लोग नीचे पहुंच गए हैं। अभी यहाँ से चलते चलते वापस ऊपर जाएंगे और देखेंगे उसके बाद हमारी कितनी एनर्जी बाकी रहती है। ये गाइस हमको ऊपर से नीचे आने में ओनली 3 मिनट हुआ। हाँ। हम लोग 3 मिनट में ऊपर से नीचे आ गए। अभी हम लोग चेकआउट करेंगे कि ऊपर कितने मिनट में पहुँचते हैं। आई थिंक ज़्यादा नहीं लगेगा, 6 मिनट लगेंगे। उतरते तो 3 मिनट लगा था, लेकिन चढ़ने में शायद 6 मिनट लगेंगे। 1 मिनट, अबे हाँ। 1 मिनट तो फर्र करके ऊपर चले जाएंगे। रास्ता देखिए कितना एकदम गजब का रास्ता है, कितना बढ़िया सा रास्ता आता है देखो। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ऐसा हो तो आप चल के ऊपर जाना, तो आपको आपको और भी मज़ा आएगा। गाइस घूमने में शॉर्टकट मत मारिए, शॉर्टकट मारेंगे ना तो मज़ा नहीं आएंगी। हमेशा लॉन्ग टर्न लीजिए, हाँ एडवेंचर वाला रास्ता एक्सेप्ट कीजिए। ये कब से नीचे है ना, तब से मम्मी मम्मी चिल्ला रही है। गाइस एक बात बोलो, मतलब हुआ क्या, इतने सारे ऊपर हम लोग घूमे, इतने सारा ब्लॉगिंग किया, ऊपर से नीचे आए लेकिन नहीं थके, लेकिन अभी अचानक सब पता नहीं क्या हो गया हम लोगों को। बाप रे, मैं तो लग रहा है कि अभी यहाँ पे सो जाऊँगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्या? हाँ और तुम दोनों मेरे को उठा के ले जाना। नहीं है ना, अभी तो सिर्फ इतने ज़्यादा चढ़े। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना हिंदी में जो बोलने में बहुत ही अच्छा लगते हैं, जैसे कि कितनी सुंदर सा मनमोहक दृश्य है, कितना सुंदर सा नज़ारा है, तो वो सारे सब वर्ड यहाँ पे याद करने पड़ते हैं। नहीं अगर वो अच्छे अच्छे वर्ड आप नहीं बोलेंगे तो आपके ब्लॉग के अंदर दम नहीं रहेगा। तो हाँ गाइस, पसीने निकल गए और मेरी तो श्वास फूलने लगी। मैं तो आपको ऊपर से मस्ती मजाक में बोल रहा था कि चल के आओ चल के आओ, लेकिन मैं जब चला तो मेरे को पता चला कि क्या हो गया। शॉर्टकट लेना ही सही है। मैं तो यार आपको सजेशन करूंगा कि आप गाड़ी लेके आ रहे हो ना ऊपर, तो गाड़ी के नीचे पार्क कर लो और चल के आओ। आप चल के आओगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएंगी, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। सच में गए चल के आना।
और ज्यादा ऊपर नहीं, हाइट नहीं है, नहीं ज्यादा ज्यादा दादरे नहीं है। आई थिंक तो आप 15 मिनट में ऊपर भी चले जाओगे। 15 मिनट में ऊपर भी चले जाओगे। 15 मिनट में ऊपर भी चले जाओगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टेज से ही आना, दादर से ही आना। हाँ, बहुत मजा आता है। उसमें आपको असली मजा आएगा। बस थोड़ा सा रास्ता बाकी है। जब ऊपर से हम लोग नीचे गए थे ना, तो 3 मिनट हुआ था, और जब नीचे से ऊपर आए ना, तो 3 बार रुके हम लोग, 3 बार। अभी बस यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता इतना ही है। पानी पानी चाहिए, पानी। तेरे कुछ हो रहा है क्या? नहीं, कुछ हो तो नहीं रहा ना? पसीना हो रहा है, पसीना हो रहा है। मुझे तो गर्मी गर्मी चाहिए, एसी चाहिए। एसी चाहिए और पानी पानी चाहिए। बस थोड़ा ही है, ऊपर जाएंगे तो पानी सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, चलो, चलो अभी बातें कम करते और सीरियसली चढ़ जाते हैं। ओके, तुम्हारी मॉम और वेट कर रही होगी। तुम्हारी मॉम, मेरी मॉम और ब्रदर्स की मॉम, तीनों की मॉम अभी वेटिंग कर रही होगी। नहीं तो फटाफट ऊपर पहुंच जाते हैं बिना मस्ती किए। A few moments later. बस गाइस थोड़ा सा बाकी है, लेकिन देखो मेरी हालत देखिए। और मेरी पानी पानी निकल गया, शरीर में जितना भी पानी था ना, सब निकल गया। और बस तेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तेरा मुंह तो अच्छा दिख रहा है। तू, तेरा भी अच्छा है, तू तो अभी बची है ना, इसलिए तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे रुमाल से पर्चा साफ करना पड़ेगा। अभी रुमाल निकालने की भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। निकाल। किसकी आ रही थी नीचे आने की? आपकी। मेरी थी। अरे यार, तो आप लोग मेरे चक्कर में फंस गया क्या? और दोबारा ऐसे एडवेंचर करोगे? नहीं।, नहीं करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? थोड़ा सा नाश्ता और एक पानी की ठंडी बॉटल साथ में रखेंगे, तब मजा आएंगी। ये देखिए मसाला खिचड़ी। लगता नहीं मैं ज़्यादा खा पाऊँगा। मैं हूँ ना, मैं खा लूँगी। बहुत ही मस्त रास्ता है, मजा आ गया। और सूर्य देव जी तो कितने मस्त दिख रहे हैं। गाइस अब यहाँ से देखिए कितना खुला खुला रास्ता है यार, एकदम ठंडा ठंडा सा एटमॉस्फेयर है। वो रहा मंदिर भातीजी महाराज का, और सामने की ओर बहुत ही मस्त पहाड़ियाँ दिख रही है। देखो वो रही हल्की सी, एकदम हल्की सी पहाड़ियाँ दिख रही है, और वो खड़ी हमारी तवेरा। सो गाइस कैसा लगा आपको ये 3 ब्लॉग? तो इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस। आप लोगों को एक छोटा सा क्रेडिट सीन दे देते हैं। मतलब यहाँ पे जा रहे थे घर पे, ब्लॉग ख़त्म हो गया था, तो हमको लगा कि एक थोड़ा सा सीन आपको बताया जाए। अभी हमको मना कर रहा था और खुद दौड़ते दौड़ते आ गए। मना कर रहा था ना। ये देख कैसा सीन है, नीचे का सीन देख। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again.